अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप कर पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, कुवैत में फिलहाल अभी बहुत ही तेजी से मुस्तैदी से वहां पे जितने भी इलीगल लोग वहां पे रह रहे थे, चाहे वो जिसका इकामा एक्सपायर कर चुका हो या रेसिडेंस वॉलेटर हो, जो भी हो, उन लोगों को काफी तेजी से वहां पे ढूंढा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, सभी को डिपोर्ट किया जा रहा है, किसी को फाइन भरना पड़ रहा है, किसी को ग्रामो भरना पड़ रहा है, किसी को जेल भी जानी पड़ रही, जो भी ज्यादा इलीगल काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो कार्य है वो हुकूमत की तरफ से बताया गया, करीब करीब 180,000 लोग कुवैत में ऐसे मौजूद है जो कि वहां पे इलीगल तरीके से रहे। दोस्तों, एक तरह का ये आंकड़ा निकाला गया है, 180,000 लोग है पूरे कुवैत में फैले हुए हैं। तो उनका हुकूमत का कहना है कि बहुत ही जल्दी उन सभी लोगों को पकड़ा जाएगा, सभी लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा। तो अब कभी भी कुवैत में कोई भी लीगल तरीके से किसी को रहने की अनुमति नहीं होगी, किसी को इजाजत नहीं होगा। तो दोस्तों, ये जो अब्दल्ली एरिया में, अहमदी एरिया में, फरवरिया एरिया में काफी तेजी से दोस्तों ये चलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हर दिन वहां पे 100, 150, 200, 500 लोगों को वहां पे पकड़ा जा रहा है। तो साथियों, ये कार्य जो काफी तेजी से फिलहाल अभी किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये काम को और तेजी से किया जाएगा आने वाले वक्तों में, और बहुत ही जल्दी हो सकता है महीने, 2 महीने, 4 महीने में बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया जाएगा और सभी को डिपोर्ट भी किया जाएगा। तो यदि आप भी इनमें से कोई भी शामिल है तो जल्द से जल्द अपने ग्रामा को आप भर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि पकड़े जाओगे तो आपको ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा या फिर आपको ब्लैकलिस्टेड करके आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ब्लैकलिस्टेड का दोस्तों मतलब होता है फिर दोबारा कभी भी आप कुवैत में नहीं आ पाओगे। तो इस बात का ध्यान देना है, यदि आपका ग्रामा वगैरह है तो दोस्तों भर लीजिए, यदि आप रेजिडेंस वॉलेटर है तो इत्तला कीजिए जाके, पकड़े जाओगे तो आपको ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा, फिर आप कुवैत में नहीं आ पाओगे। तो दोस्तों, अगले हफ्ते के यदि एक आंकड़ा निकाला गया तो करीब करीब 500 से 700 लोगों को अब तक वहां पे पकड़ा जा चुका है और इस हफ्ते का भी आंकड़ा नहीं निकाला जा रहा है, पर बताया गया कि इसके अगले हफ्ते, इस हफ्ते जो है वो काफी ज्यादा लोग पकड़े गए हैं, पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते ज्यादा लोग पकड़े जा चुके हैं। अगली जो खबर साथियों जो कुवैत से आ रही है वो साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता है साथियों कि कल के दिन वहां पे नेपाल में नेशनल डे मनाया जाता है नेपाल में, तो कुवैत में भी दोस्तों नेशनल एम्बेसी में वहां पे नेशनल डे मनाया गया। तो जो वहां कुवैत के आमिर की तरफ से और कुछ एमपीज की तरफ से ट्वीट करके सभी नेपाली भाई, वहां पर जितने एक्सपर्ट हैं, उन सभी को बधाइयां दी गई और नेपाल को भी दोस्तों इसकी बधाइयां दी गई, क्योंकि वहां नेपाल में नेशनल डे था जिसकी वजह से नेपाल एम्बेसी में भी नेशनल डे को अच्छे से सेलिब्रेट किया गया है। तो दोस्तों, ये कुछ खबर थी जो कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।